टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं चार्ट को तो मार्च 2023 पे ये स्टॉक 48 था और इस समय अगस्त के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट अराउंड 95। अब आप देख सकते हो कितना परसेंट इसने ग्रोथ दी है इन 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के अंदर अंदर। तो अभी इस ये ग्रोथ का रीज़न क्या है? और अभी भी ये ट्रेंड जो सुपर ट्रेंड पे है वो एक पॉजिटिव ही है, तो क्या रीज़न हो सकता है बताता हूँ वो भी आपको। इस शेयर्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को जहाँ पे 186 करोड़ का इसको लॉस था 2023 जून एंड में, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 189 करोड़ का इसने लॉस दिखाया था, वहीं इस क्वार्टरली रिपोर्ट में इसने 2 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाया है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को काफ़ी उम्मीद आशा जगी है। जैसे जेफरीज भाई ने 130 का टारगेट दिया है, नोवोमा भाई ने 110 का, और मोतीलाल ओसवाल ने 110 का। तो यही वो रीज़न है जिसके कारण इसमें एक सडन पंप देखने को मिला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।